हाय स्टूडेंट, जी आई टी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एमएस एक्सेस में यदि रिपोर्ट तैयार करना हो तो कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उससे पहले जो कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था फॉर्म क्रिएट करने के लिए, कि अगर जो आपको एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करना हो तो कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे लोगो लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अपने एमएस एक्सेस पे। इस पे आ गए एमएस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फाइल आपको सेव करना होगा तब जाकर आप कोई डेटा बना पाए। तो पहले हमको कहाँ आना होगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटा। यहाँ आने के बाद से हमको क्या करना होगा, पहले लोकेशन चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, लोकेशन। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको यहाँ क्लिक करना, क्लिक करने के बाद लोकेशन देना है कि आप कहाँ सेव करना है सब। तो बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जा रहा है, बताया था आपको किस ड्राइव में देना होगा, किस ड्राइव में। या फिर चलिए सपोज करिए कि ये नाम जो फोल्डर बना है इसी के अंदर हमको सेव कर, किस नाम से, ये नाम जो फोल्डर बना उसी के अंदर सेव कर। नाम टाइप करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे किस नाम से सेव करना है। रिपोर्ट तैयार कर सिंपल हम इसका नाम दे दिए, क्या रिपोर्ट, क्या नाम दे दिए, रिपोर्ट। रिपोर्ट देने के बाद इसको क्या कर लेना है, ओके। अब जैसे ओके करें, देखिए यहाँ पे नाम आ गया है ना, किस नाम से सेव हो रहा है। यहाँ पर हमने नाम दिया क्या है, रिपोर्ट। सबसे पहले हमने नाम दिया यहाँ पर ना, किस नाम से दिया हमने, तो सिर्फ रिपोर्ट के नाम से। और फिर कहाँ क्लिक करना हो, क्रिएट। अब जैसे हम क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे एक्सेस का एक फाइल बन करके क्लियर है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखिए हमको अपने टेबल को डिजाइन करना हो। टेबल को क्या करना हो, डिजाइन। चलिए पहले हम राइट क्लिक करते हैं और आ जाते हैं किस पे, डिजाइन। डिजाइन भी हमारे पास इसका नाम हमने क्या दिया, टेबल। इससे पहले कुछ नाम दे देते हैं। सबसे पहले हमने दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर वो किसमें दे दें, नंबर। फिर दे दिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम किसमें रहेगा, शॉर्ट। उसके बाद दे दिया एड्रेस, एड्रेस इसमें रहेगा लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद क्या देना हमने, एड्रेस क्या आज दे एड्रेस दे रहे हैं, डी ओ बी, यानी कि डेट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ किसमें डेटा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, बर्थ डेट एंड टाइम। उसके आगे हमको क्या कोर्स देना है, कोर्स देना है ना, देना या टाइप कर लिए कोर्स। कोर्स को कोर्स कितना किस तरह रखेंगे, के बेटर जो रहेगा है। लुकअप विजार्ड। अब देखिए लुकअप विजार्ड में आने बस कहाँ ना होगा, आई विल टाइप, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट हम टाइप कर लेंगे पहला डी एफ ए, ADFA, DCA, ADCA और CCC, बस इतना ही ले लिया। यहाँ से कर लिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से इसको फिर हम क्या कर लिए, सेव। एक और देते हैं फोटो, पहले फोटो वाला भी जाना है ना, फोटो। और फोटो किस में रखना है, अटैच में। इस टेबल को क्या कर लेना है, सेव। क्या करना है, सेव। और सेव करके फिर किस में आ जाना है, डाटा सीट व्यू। ऐसे दिख रहा है ना डेटा। हाँ, एक और समझ लीजिए, इसके साथ साथ एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू। क्या आता है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए ना हम ऐसा वैल्यू देना चाहते, जैसे कि हमारे पास एड्रेस दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आप, एड्रेस दिख रहा है। एड्रेस हम ये चाहते हैं ना कि पहले से हमारे यहाँ हमारा लोकेशन कहाँ पे, पडरौना में, पडरौना की ज्यादातर लोग आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एड्रेस में पड़रौना हो या फिर रामकोला जो भी लिखा हुआ रहे, हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। जब भी हम नया एंट्री करते जाए ना, उससे पहले से ही पड़रौना लिखना, बाद में हम अगर चेंज करना चाहते हैं ना, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं चेंज कर सकते। हम ये चाहते हैं जैसे हम एड्रेस में पहले से पड़रौना लिखा, पड़रौना का तो छोड़ देंगे, उतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं। और यदि पड़रौना का नहीं है, फिर हम दूसरा लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू, इसका इस्तेमाल करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। कैसे, देखिए सबसे पहले हमको आना होगा किसमें, फिर यहीं पे डिजाइन व्यू। अब आपको एड्रेस में ही भरना है ना, क्योंकि बाकी सब और सभी में तो होगा नहीं। हम आगे किसमें, डिफॉल्ट वैल्यू में, जब इसमें आएंगे ना एड्रेस वाले में लॉन्ग टेस्ट, तो आपको नीचे काफी आप दिखाई देगा डिफॉल्ट वैल्यू का। दिख रहा है साफ दिखाई दे डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देना है जो भी एड्रेस आप बाय डिफॉल्ट देना चाह रहे। जैसे हमने दे दिया पडरौना, क्या दे दिए, पडरौना। डबल कॉमा क्या कर लिए, हो जाएगा ना।
क्लोज करने के बाद से हमको आना होगा किस पे, टेबल राइट क्लिक करना है और फिर एक बार क्या कर लेना, सेव। और सेव करने के बाद फिर किसमें आ जाना है, डाटा सेट व्यू। अब देखिए अपने आप पटवाना लिखा हुआ दिख रहा है ना, हमको बार बार पटवाना लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका इस्तेमाल जानते हैं कहाँ पे होता है ज्यादातर। सपोज करके हम अपना लोकल पटवाना में काम कर, और हमारे यहाँ ज्यादातर पटवाना के ही लोग आ रहे हैं, और सिर्फ हमको पटवाना नाम लिखना पड़े तो काफी समय लग सकता है ना, लगे नहीं लगेगा, वो जो बार बार पटवाना लिखना पड़े सब में, अगर जो 1-10 सेकंड और देख में लगे और जो 10 हमको लिखना, कम से कम कितना लगेगा, 1-1.5 मिनट लग जाएगा ना, इतना टाइम ना लगे, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे डिफॉल्ट। आईडी दे दिए 101, नेम दे दिए हम यहाँ पे क्या, चलो पहले खालिद का ही नाम दे दे। लोकेशन कहाँ देखिए, पटवाना देना है छोड़ दे, कुछ नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ भर ली 01-01-2004। कोर्स कौन सा है तो डीएफ, फोटो देना है डबल क्लिक, फिर कहाँ जाएंगे ऐड, ऐड पे जाने के बाद से हम आ जाएंगे डेस्कटॉप, जहाँ कोई फोटो होगा ना तो फोटो को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर, इसी में ऐसी इसी का कोई फोटो लेते हुए चलते, सेलेक्ट कर क्या कर लिया, फिर यहाँ से क्या कर लेना है, पहला लग गया, चलिए सब फटाफट कम से कम हम 5-7 ID बना लेते, सही रहेगा ना विकास। अब देखिए पटौना फिर आ गया, पटौना नहीं रखना है, राम कलर रखना है, हम यार लिख लेंगे क्या राम फूल, दो उसके लिए ड्राफ्ट वाले से बनाना होगा, तीन बना सकते हैं वो तो, ड्राफ्ट वाले से बना ही सकते वो तब की बात, लेकिन अगर सपोज कर हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब कुछ समझना चाहिए ना, वही हमने आपको डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब, नहीं तो आप ड्राफ्ट वैल्यू से बनाना चाहते हैं, आपको पता है बस यही 4 ही अगस्त हमारे यहाँ लोग आते हैं, उससे कई लोग नहीं आते, ड्राफ्ट वैल्यू से बना लिए इतने लोकेशन का आ जाएगा। कहाँ नहीं यहाँ देखो हम कहाँ गए, हम आ गए यहीं पे, इसको पहले सेव कर लेना है, और आगे किसी ने डिजाइन भी, डिजाइन में आने के बाद से हम ये जो कोर्स दिए हैं कोर्स को कुछ रखें लुकअप विजार्ड में, और लुकअप विजार्ड विजार्ड में आने के बाद कहाँ गए, आई विल यहाँ आने को फिर हम बात क्या किए ना, हम यहाँ एक ही कॉलम में तो चले गए ना, यहाँ पे क्या चाहिए, हम डी एफ पे चाहिए, अगले वाले में ए डी एफ पे, अगले वाले में डी सी ए, उसके अगले वाले में ए डी सी ए, और उसके अगले वाले में ट्रिपल, ऐसे देते हुए चले गए ना, ऐसे अलग अलग हम क्या करेंगे, एड्रेस का नाम भरते हुए चले जाए, आए समझे ना, और एड्रेस भरने उस फिर कर लेंगे नेक्स्ट फिनिश, और फिर इसको एक बार सेव करेंगे और वापस से आ जाएंगे डिजाइन व्यू में। अब देखो हम किस में दिए हैं, डाटा सेट व्यू यही दिए हैं ना, कोर्स वाले में, कोर्स वाले में देखो ड्राफ्ट लिस्ट में उतना सारा जुड़ा हुआ है, वैसे हम एड्रेस में भी दे सकते हैं, हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसा हम इनका भर दे क्या, राम पोला, डेट ऑफ बर्थ ऐसे कुछ भर दिए, 21 तारीख 5वां महीना 2005, फोर्थ इनका हमने रख दिया डी सी ए, फोटो पे क्या करना है डबल क्लिक, ऐड करना है कोई फोटो सेलेक्ट करके क्या कर लेना है आपको, फिर यहाँ से अगला 103 नाम टाइप कर लिया, ऐसे विपिन, इनका एड्रेस क्या रखना है पडरौना, एड्रेस ही रखना है ना पडरौना, छोड़ आगे आ जाएंगे, ऐसे डेट ऑफ बर्थ हम भर लिए, कितना दे दें 1-1-2004-2004, इनका कोर्स हमने दे दिया ए डी सी ए, क्या दे दिए ए डी सी, फोटो पे क्या करना है डबल क्लिक, ऐड पे जाना है, जो फोटो चाहिए उसको सेलेक्ट करें, फिर क्या कर लेंगे हम यहाँ से क्या कर लेना है, एंटर करके आ जाना है आगे 104 नाम भर लिया अगला, सही है जी खुर सर, एड्रेस पटौना नहीं रखना है हमको, कहीं और लोकेशन दे देना है, जैसे इनका हम देना चाहते हैं कहाँ पे, कुशीनगर, क्या दे दिए कुशीनगर, बता दो अपना डेट ऑफ बर्थ 2-3-2000, कोर्स हमने दे दिया एडीएफ पे, क्या दे दिया हमने एडीएफ पे, इस पे करना है डबल क्लिक, डबल क्लिक करना फिर कहाँ जाना है ऐड फोटो सेलेक्ट करके ओपन, ओके तो कितना 4 हो गया ना, चलिए एक और बना लेते हैं 5 हो जाए, एक और किसका बना दें, विकास तुम्हारा भी नाम है, अनूप, अनूप नाम सुना,
तुम्हारा कर दिया रामकोला, तुम रामकोला में ही रहो। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 27/5/2006। तो बिल्कुल मेरा ले लिया जी, मेरा 27/5/2002, मैं 27/5 पे आ गया। हमने कुर्सी लेके आए इनका ट्रिपल्स, आगे हम कर दिए डबल क्लिक, ऐड पे गए, फोटो को सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से क्या कर लेना, ओके हो जाएगा ना। अभी हमने कितने लोग का बनाया है, पांच, पांच लोग का टेबल हमने पिछली क्लास में आपको, या ऐसे कुछ टेबल हमने आपको बताया था बनाने के लिए, फिर बताया था आपको फॉर्म क्रिएट करना, तो कहाँ जाना था, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म या डिजाइन फॉर्म में आ जाना है। फिर आपको क्या कर लेना है, एड एग्जिस्टिंग फील्ड, सो टेबल, अभी एक ही टेबल बनाया है ना, तो सबको डबल क्लिक कर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, हो जाएगा। फिर हम ये बताए थे यदि आप इसको लेके जाना चाहते थे यहाँ से ड्रा करके यहाँ ऊपर लेकर के, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर, ये फोटो नीचे लेके आना, तो ऊपर से क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे, नीचे लेकर के यहाँ पे, बस ये बताए थे ना। उसके बाद आप आ जाइए फॉर्म व्यू, आपको ऐसे फॉर्म दिखाई दे रहा, क्लियर है ना। फॉर्म के बाद से हमको करना क्या है, आ जाना है किसमें, फिर से डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में अब करना क्या है, हमने आपको इंसर्ट लोगो करने के लिए बताया था कि लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज पूछेगा, जो इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा। टाइटल ले लीजिए नाम के लिए आ जाए, जैसे हमने टाइटल ले करके फॉर्म वन ही रहने दिए, फॉर्मेट में आके साइज भी क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर, क्या रहने दिए फॉर्म, जो लिखना होगा एडिट करके इसको लिख ले जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे किसमें, फॉर्म भी हो जाएगा। तो लोग पिछली क्लास में आपको इतना बताया था ना। और रिपोर्ट तैयार करने के लिए देखिए क्या करना, पहले इसको सेव कर दिए फॉर्म, सेव पे गए फॉर्म वन नाम से क्या कर लिया इसको सेव। अब सपोज करिए कि आपने ऐसे टेबल बनाया है और कहा जा रहा है ना, नहीं इसका रिपोर्ट तैयार करके बताइए, क्या तैयार करना है, आज हमको जाना तो रिपोर्ट ही है, लेकिन पिछली क्लास हमने आपको जो बताया था वो हमने एक बार रिपीट कर दिया कैसे करना हो, क्लियर है ना। अब रिपोर्ट तैयार करने के लिए ना जब आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट में, किसका, रिपोर्ट का, जैसे फॉर्म में गए थे फॉर्म डिजाइन में ब्लैंक फॉर्म में, वैसे ये भी दिया है रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन और ब्लैंक रिपोर्ट, और जब आप ब्लैंक इसमें डिजाइन रिपोर्ट लेंगे ना, तो अपने हिसाब से डिजाइन करना होगा, डबल क्लिक, दिख रहा है ना, अपने हिसाब से क्या करना होगा, डिजाइन कर, और ये रिपोर्ट व्यू में आप आएंगे ना, ऐसे आपको रिपोर्ट दिखाई देगा फॉर्म के जैसे, लेकिन हम चाहते नहीं ऐसे ना रहे, रिपोर्ट जो है ना एक रिपोर्ट के जैसा ही दिखाई, फिर आप सबसे बेहतर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक, सिर्फ किस पे, रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करें देखिए बना बना हुआ फॉर्मेट आपको दे देगा, दिख रहा है ना। लेकिन हमको करना क्या है, इसको थोड़ा सा डिजाइन करना होगा, क्या करना होगा, डिजाइन, डिजाइन ये करना है ना, जो इतना लंबा साइज दिख रहा है ना, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेना, साइज को क्या करना है, यहाँ से आ जाएंगे और इसके साइज थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लिए, एड्रेस को भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही है, फोटो के साइज को थोड़ा सा क्या कर लेना, बढ़ा ले, हो जाएगा। अब इसको फिर आ जाए किसमें, रिपोर्ट व्यू, देखिए एक रिपोर्ट अच्छे से दिख रहा है ना, रिपोर्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे एक ही साथ सभी लोग का डेटा आ, रिपोर्ट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे एक ही साथ सबका डेटा आ जाए, जो आपको यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है सबका ना, कि यहाँ पे रिपोर्ट में क्या 101 है, फिर किसका है, मेरिज का एड्रेस बताओ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर कोर्स है उसका क्या दिया, फोटो, लेकिन ये हम क्या तैयार कर रहे हैं, फॉर्म तैयार कर, फॉर्म कुछ ऐसे दिख रहा है, क्लियर है ना, कि वो जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो रिपोर्ट हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इस रिपोर्ट को पहले हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, रिपोर्ट को पहले क्या कर लिए, सेव कर, राइट क्लिक किए सेव, रिपोर्ट का नाम पूछा है ना, इसका नाम हम टेबल वन के बजाय बल्कि रिपोर्ट ही रहने दिए, क्या रहने दिए, रिपोर्ट, और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए अब तीनों ही को अलग अलग नाम से आ चुका है, क्या क्या, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ सबसे पहले दिख रहा होगा टेबल वन, क्योंकि हमारा क्या है टेबल, टेबल का अगला हमने क्या बनाया, फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है, और फॉर्म का अगला हमने क्या बनाया, क्लियर है ना। तो
ऐसे ध्यान दिए, सबसे पहले हमको टेबल ही बनाना हो। टेबल बनाने के बाद जब फॉर्म कहा जाए, तो फॉर्म क्या होगा कि एक व्यक्ति का डेटा एक पेज में निकल के आए, एक व्यक्ति का डेटा क्या होगा एक पेज में निकल के आएगा, और रिपोर्ट क्या होगा कि सबका डेटा एक पास निकल करके आ जाएगा, जितनों का डेटा। हो सकता है कि कहा जाए नहीं आपको ऐसे दिखाना नहीं है बल्कि प्रिंट करके कर। जब आप यहाँ पे आएंगे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे ना, आपने आपसे दिखा देगा प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट करेंगे ना तो पेज आपको ऐसे दिखाई दिख रहा है, क्योंकि अभी कम लोग का डेटा है, 5 लोग का डेटा, 5 लोग का दिख रहा है, और लोग का डेटा होगा तो नीचे बढ़ते हुए दिख रहा है ना। और आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे बटन दिखाई देगा किसका, क्लिक करें। अभी तो प्रिंटर लगा नहीं है, हम पीडीएफ के रूप में इसको क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से ओके करिए, लोकेशन पूछेगा कहाँ देना है, हम डेस्कटॉप ही दे, नाम क्या देना है जो नाम देना हम नाम टाइप कर ले, जैसे रिपोर्ट है ना नाम टाइप कर दे रिपोर्ट, रिपोर्ट देने वाले हम इसको क्या कर लिया सेव, कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कीजिए अपने वर्ड अपने एक्सेस के फाइल को, डेस्कटॉप पे आ जाए। किस नाम से दिए हम, ओपन करिए, क्या यही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टेबल 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ये डेट लिखा हुआ कब आपने रिपोर्ट तैयार किया, कितने बजे कितने मिनट पर रिपोर्ट तैयार, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इसमें हेडर भी कुछ चेंज नहीं कर सके, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकें या जो भी हम उसका डिटेल ले सकें, फिर उसके लिए आपको आना ऑफिस में एक्सेस में, और जो आपने रिपोर्ट तैयार किया है ना, क्या तैयार किए हैं, पहले क्लोज प्रिंट पे रिव्यू करिए, रिपोर्ट में है ना, तो राइट क्लिक करके हम आ जाएंगे इसमें डिजाइन, इसमें आना होगा डिजाइन, जब डिजाइन भी मैंने देखिए आपको सिर्फ टेबल दिखा, यहाँ क्या दिख रहा है टेबल, तो टेबल 1 को हटा लीजिए और अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हो गया। अब इसे देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे डेट है उसके नीचे क्या है टाइम, और यहाँ पे लोगो दिया दिख रहा है ना, और इसको चेंज करना चाहते हैं फिर कहाँ चले जाएंगे, लोगो वाले आप जो लोगो चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, और अब क्या कर लीजिए, बस साइज कम पड़ रहा है, फोटो साइज बड़ा है, बढ़ाना चाहते हैं कॉर्नर पैकेज साइज को, क्या करें थोड़ा बड़ा कितना हो गया है ना, फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे सेव कर लेंगे यार, या फिर डायरेक्टली हम आ जाएंगे इसमें रिपोर्ट, ऐसे आपको रिपोर्ट क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। वैसे ही अगर देख कहीं रिपोर्ट तैयार करना तो रिपोर्ट तैयार कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। हाँ लेकिन एक्चुअली एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम सबको यहाँ से क्लोज कर, कोई अभी टेबल कोई फॉर्म ओपन नहीं है ना, हमको जाना है क्रिएट में, क्रिएट के बाद से आ जाना है आपको रिपोर्ट में, हम यहाँ से गए ना, और आप यहाँ से रिपोर्ट से आप ब्लैंक रिपोर्ट पे बना, देखिए एक पेज पे मात्र एक ही आएगा, एक पेज पे कितना रिपोर्ट आएगा देखिए, जैसे हम राइट क्लिक किए और डिजाइन, यही टेबल है ना, या तो राइट क्लिक करके हम ऐड करें, या तो फिर हम क्या करते हैं डबल क्लिक कर, क्या करके लेके जा रहा है डबल, तो क्या हमने फॉर्म भी तो ऐसे ही क्रिएट किया था ना, फॉर्म भी हमने ऐसे ही क्रिएट किया था, अब इसको हम एक बार क्या करें आगे किसमें रिपोर्ट में, रिपोर्ट में देखिए फॉर्म के जैसा ही दिख रहा है ना, हमने तैयार तो रिपोर्ट किया है लेकिन किसके जैसा दिख रहा है फॉर्म को, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बना करके नहीं दिया बल्कि हमने खुद से बनाया है, जब खुद से बनाया है तो आपको ऐसे कुछ आपको दिखाई, क्लियर सबको, यानी कि जब भी ध्यान दीजिए हम कहीं एक्सेस पे गए काम करने के लिए, वहां पे जितने भी डाटाबेस हमको एंट्री करना होगा तो डाटाबेस एंट्री हम किसमें करेंगे, किसमें कर लेंगे टेबल, और जब टेबल में डेटा बना रहेगा ना उसी टेबल के हिसाब से हमको फॉर्म भी बनाना होगा, और उसी के हिसाब से हमको क्या तैयार करना होगा रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट ऐसा है इसमें जब एक्सेस ना हो ना, एक्सेस का रिपोर्ट यही है इसका, जिसमें क्या किया सपोज करो ना हम काम कर रहे हैं, आया समझे ना, और आज हमने क्या किया 10 लोग का नाम एंट्री किया, इस 10 लोग का क्या किया नाम एंट्री, और शाम को हमारा मैनेजर या फिर हमारा जो भी ऑनर जो भी है आके बोला कि आज आपने जितना काम किया है
लोग आपने एडमिशन लिया, जितने लोग आपने एंट्री किया, उस हमको रिपोर्ट निकाल कर। तो जो अलग अलग पेज से निकालेंगे तो क्या कम से कम 10 पेज सही होगा ना, और रिपोर्ट हम एक ही पेज में ऐसे निकाल देंगे, देखिए हमने ये इन लोग का नाम ऐसे लिया है, इनका आरएचएस नंबर ये है, नाम ये है, उनका यहाँ एड्रेस, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, ये कोर्स और उनका ये फोटो। तो डिजाइन हाँ अपने साथ डिजाइन भी कर सकते हैं, बताया था राइट क्लिक करना है, फिर कहाँ जाना है, रिपोर्ट ये वाला है ना, राइट क्लिक करना है, फिर कहाँ आना है, डिजाइन कैसे डिजाइन करना है, देखो यहाँ क्लिक करो, छोटा करना है छोटा कर लेंगे, साइड में इसको कहीं रखना है, जिसको लिए साइड में रख सकते हैं, एड्रेस हो जाएगा ना, अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। और जैसे हम छोटा करना चाहते हैं इसको क्या करेंगे, कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर से आके इसके साथ क्या करेंगे, तो छोटा छोटा हो गया है ना। अब देखो हम इसी को आ गए किसमें, रिपोर्ट दिख रहा है, अब पहले उसको चला दिख रहा है ना, चाहते हैं नहीं पहले जैसे हमने रिपोर्ट बनाया था वैसे ही रखते, डिजाइन भी में आ जाएंगे, और नॉर्मल पहले एक किसी को पहले करके साइज क्या कर लें, बड़ा कर लें, हो जाएगा। आपको जो भी चाहते नहीं सारा एक ही साथ हो, यहाँ से फिर कर लीजिए, देखिए सबका साइज एक ही साथ बड़ा होगा और सबका साइज एक ही साथ क्या होगा छोटा, दिख रहा है, फिर आ जाएंगे इसमें सबको एक साथ करना है तो पेज हेडर से करेंगे, और वो जो एक ही कोई करना है तो हम कहाँ से करेंगे, डिटेल्स से। तो हेडर पता है क्या है, तो जो हम रिपोर्ट में आ रहे हैं ना, रिपोर्ट में ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये हेडर, ये क्या है, और ये नीचे वाला क्या है, डिटेल। हेडर में चेंज करें तो ऊपर हेडर में चेंज होगा, और डिटेल में चेंज करें तो नीचे डिटेल, हो जाएगा ना। फिर हम राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने वाले सेक्शन चले गए डिजाइन, डिजाइन में आने वाले सभी आपको हमने बताया है। और हाँ अगर जो आप लोगों को इसमें कुछ कलर करना है, आप लोग फॉर्मेट में आप लोग बताए थे सेफ फिल करने के लिए, या फिर और चीज जो भी चेंजिंग करना हो यहाँ से कर सकते, ये पता है ना, हो जाएगा। फिर हम राइट क्लिक करके आ गए किसमें, ये रिपोर्ट व्यू, देख रहा है रिपोर्ट व्यू में, ये कलर इसका अलग कलर रखना है, इसका अलग कलर रखेंगे, इसका अलग, वैसे इन सबका भी हम डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें कर ले जाएंगे ना। देखिए रिपोर्ट बनाना और फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि पहले से हमारा क्या रहेगा, टेबल बना रहा, पहले से क्या रहेगा, टेबल बना रहेगा, और इसी टेबल के बेस हमको फॉर्म भी क्रिएट करना है, और इसी बेस पे क्या करना है, रिपोर्ट भी, क्या है ना, क्लियर है ना। लेकिन हाँ इसके बाद से हमने ऐसे बना दिया, लेकिन फॉर्म में चेंजिंग करना चाहते, क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, ये पहला कोई फॉर्म है, फोटो में जाएंगे फिर नेक्स्ट करेंगे, ऐसे बार बार हमको अगला देखना पड़ेगा, आ रहा समझ में, हम चाहते हैं यहीं पे क्या कर सकें, कुछ बटन क्रिएट कर सकें, क्या कर सकें, कुछ बटन क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, बटन, किसका इस्तेमाल करते हैं, कि अगर जो फॉर्म में कोई बटन लगाना, कैसे बटन लगा, तो पहले तो हमको आना हो किसमें, व्यू में जाने के बाद से इसमें आना होगा डिजाइन, इसमें आना होगा आपको यहीं पे एक बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना, पहले कहाँ गए हैं, देखिए सबको पहले सेव कर लो, इसको भी क्लोज कर, इसको भी सेव किए, सेव करके क्या कर दिए, ये भी सेव कर दिए, और सेव करके क्या कर दिए, ये भी रिपोर्ट हम सेव कर लेते हैं कभी इसकी भी जरूरत पड़े, सेव, और यहाँ से क्या कर लिए, हो गया, अभी हो गया रिपोर्ट बनाना, फॉर्म बनाना, लेकिन हमको फॉर्म में करना ये है ना कि बटन क्रिएट करना है, हम यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस कुछ भी कर सकते, तो पहले हमको आना होगा किसमें, डिजाइन, पहले किसमें आ जाना होगा, क्योंकि चूंकि कुछ भी डिजाइन करना तो हम डिजाइन व्यू में ही आएंगे ना, तो डिजाइन क्या करना, तो हमको बटन लगाना, उसके लिए हमको जाना होगा कहाँ पे, बटन, देखिए ड्रा करने का ऑप्शन जुड़ चुका है ना, अब जहां भी बटन देना होगा लेफ्ट वाला बटन होल्ड करिए और ऐसे ड्रा कर, जितना बड़ा रखना हो, अभी होल्ड किए हैं, जैसे छोड़ेंगे अलग ही कमांड आ जाए, जैसे हमने बटन ड्रा करना छोड़ा वैसे ही क्या आया यहाँ पे, एक कमांड, कमांड क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे क्या दे रहा है, रिकॉर्ड नरेशन, नया आप कोई रिकॉर्ड किए हैं नरेशन में, उसमें आपको क्या करना, फाइंड है, तो अगला फाइंड करना है आपको, या फिर क्या करना है, फाइंड रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है, या फिर क्या करना है, फोटो पहले वाले जाना है, सपोज करिए कि अगर हमने बना लिया कहाँ से, कोई फॉर्म बना है ना,
वो फॉर्म हमारे पास ठीक से लेकर और लगभग लगभग 1,000 लोगों का है। कितने लोगों का है? 1,000 लोगों का है। और हम 500 या 600 नंबर पे हैं, हमको डायरेक्टली पहले नंबर वाले पे आना है। हम तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आप टू का इस्तेमाल करेंगे, गो टू फर्स्ट। और उससे आगे दिया है गो टू लास्ट। क्या दिया है? गो टू लास्ट। और हमारे पास 1 से लेकर के और 1,000 तक है, और यदि हम पहले वाले पे हैं या फिर 100 नंबर वाले पे हैं और चाहते हैं कि हम लास्ट वाले पे चला जाए, इसका इस्तेमाल करेंगे गो टू लास्ट। और फिर आगे दिया गो टू नेक्स्ट निकाल। क्या दिया? गो टू, यानी कि पहले पे हैं, दूसरे पे जाना चाहते हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे जाना चाहते हैं, तीसरे पे हैं, चौथे जाना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट निकाल। और आगे दिया है गो टू प्रीवियस निकाल, यानी कि पीछे जाना, चौथे पे है तीसरे पे आना, तीसरे पे है दूसरे पे आना, दूसरे पे है पहले पे आना, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे गो टू फर्स्ट, ये गो टू नेक्स्ट और गो टू लास्ट। क्लियर है ना? देखिए सबका हम इसमें इस्तेमाल लेते हैं क्या? सबसे पहले हम करते ही है ना, हम पहले लेते हैं गो टू लास्ट। सबसे पहला जो हमारे इधर बटन रहेगा ना, सबसे लास्ट में लिख जाएगा। देखिए क्रिएट करने का सबसे तरीका आसान बता रहे कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे बटन दे देंगे, जो डील करेंगे सबसे लास्ट वाले पे ले गया, पहले वाले पे आया, समझे ना? उसके बाद एक बटन दे देंगे जिस पे क्लिक करेंगे ना, तो पीछे वाले पे ले गया, प्रीवियस ले गया। उसके आगे हम बटन देंगे जहाँ पर हम क्लिक करके नेक्स्ट, यानी कि अगला वाला रिकार्ड देंगे। और उसके आगे हम बटन दे देंगे यदि यहाँ क्लिक कर बिल्कुल लास्ट वाले रिकार्ड लेकर के, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से दे सकते हैं। कैसे जवाब दे सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हमने बता दिया क्रमबद्ध तरीके से क्या होगा। समझे ना? तो करना क्या है, सबसे पहले हमको किसमें आना है? लास्ट वाला सही करें, क्या करना होगा? और नेक्स्ट करके आपसे पूछेगा पिक्चर में चाहिए कि फिर टेक्स्ट में चाहिए, मतलब कि जो आप ये बटन बना रहे, तो क्या बना रहे हैं आप? बटन। अभी जो भी बटन आपको दिख रहा है ना, ये बटन आपको कैसे चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए लास्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ होना चाहिए कि ऐसे बटन बना हुआ होना चाहिए, समझे ना? चलिए एक थोड़ा सा शुरू करते हैं, बैक आते हैं और लास्ट की बजाय लेते हैं क्या, गो टू फर्स्ट पे। पहले पहले रिकॉर्ड पे आना होगा, बाद में तो लास्ट में जाना होगा ना। पहले फर्स्ट की बार क्या करिए, नेक्स्ट। अब देखिए अब एरो कर रहे, सिर्फ एरो का आपको दिखाई देगा ऊपर, और हम कर देंगे गो टू फर्स्ट, ऐसे एरो दिखा, ऐसे ईमेल दिखा, और भी कर देंगे टैक्स, तो आप क्या दिखा दिखाई के लिए क्या आएगा? फर्स्ट रिकॉर्ड। कुछ लिखना भी चाहते हैं हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, आने बस इसके नाम को क्या कर लेना है, हटा देना हो जाएगा। और हटा के जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिख, लेकिन अभी हमको नाम नहीं देना है, बल्कि हमको क्या देना है, पिक्चर क्या देना है। और इसके जगह आप अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो कुछ भी लगा, हर समय जहाँ हमारा इमेज लिखा रहेगा उस पर क्लिक करके लास्ट वाले का आएगा। कैसे? ब्राउज जाएंगे, जो इमेज चाहिए उस इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट, डेस्कटॉप पे हो चाहे लैपटॉप पे, जहाँ भी हो सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना? और नहीं हमको वही चाहिए, फिर हमको क्या करना हो, वो तो इसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद बटन आ गया यहाँ पर, पहला बटन बना। दूसरा हमको क्या करना है, इसी बटन पे जा ड्रा कर लेना इसी के साइड, इसको दे देना है क्या, गो टू प्रीवियस, पीछे लेकर रखा है फिर नेक्स्ट की, इसको भी इमेज में ले रखते हैं नेक्स्ट करके क्या कर ले, एक और बटन बन गया, कितना हो गया तो, फिर एक और हम बटन पे गए और यहाँ से दिया हम क्या, ऐसे ड्रा कर, और इसका हमने दे दिया गो टू, इसका प्रीवियस दिए थे ना, इसका दे देंगे नेक्स्ट, इसका क्या दे देंगे, फिर यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से फिनिश, पिक्चर में रख के नेक्स्ट करके फिर क्या कर लेंगे, फिनिश, ये बटन बन के आ गया। फिर हम चले गए बटन पे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, ड्रा कर उसी के साथ इसका, ऐसे इसको दे देंगे क्या, गो टू लास्ट लिखा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या कर लेना होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं आप, ताकि थोड़ा सा नीचे लगे, हो जाएगा ना? फिर हमको क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना है,
बस आप इस टेबल इस फॉर्म को पहले सेव करिए, और सेव करके फिर किसमें आ जाइए, आपको बटन दिख रहा है क्लाइंट पूरा, देखिए अभी पहले का है ना, तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक करें, देखिए आ रहा है नेक्स्ट वाले पर ना, क्योंकि 5 बनाए थे और एक ब्लैंक वाला था, तो ब्लैंक वाले क्लिक करें, इसके आगे हमारा कोई फॉर्म हो जाएगा ना, प्रीवियस का दुकान लेके आएगा, पीछे लेके आएगा, एक एक पीछे लेके आ रहा है ना, और यहाँ क्लिक कर देंगे लास्ट लिखा, सबसे लास्ट लिख चला जाएगा एक बार, और यहाँ क्लिक कर देखा बार में पहले वाले लिखा, जो हमने यही बताया है ना, हम ऐसे क्या कर सकते हैं, बटन क्रिएट कर, और ध्यान रखिए इतना ही बटन नहीं बल्कि आप और सारा भी बटन क्रिएट कर सकते, कैसे, तो आप इसको राइट क्लिक करिए और आ जाइए इसमें, ठीक है, जो आप एक बटन ले रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ड्रा कर, अभी हमने इसमें देखा रिकार्ड एरेस्ट में देखे है ना, तो रिकार्ड ऑपरेशन में आ जाए, आपको देगा एड न्यू, नया कोई ऐड करना है, सपोज कर 105 लोग को बनाया है ना, 106 नंबर पे किसी का ऐड करना है, उसका ऐड कर सकते, किसी का रिकार्ड डिलीट करना है, कोई किसी का डुप्लीकेट बनाना है, कोई प्रिंट करना है, या फिर सेव करना है, फिर अंडू जा, इसका इस्तेमाल हम कर सकते, फॉर्म में आ जाए, फॉर्म ले रहा है तो अप्लाई करना है, कोई फिल्टर चूज फॉर्म करना, ओपन फॉर्म करना, प्रिंट करना है, सेलेक्ट कर सकते, रिकार्ड बनाए रिकार्ड में लगाना चाहते रिकार्ड में सेलेक्ट कर सकते, और यदि आप आ जाए एप्लीकेशन और फिर ये, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज या फिर प्रिंट, आपको जहाँ तक यूज किसका करना है, रिकार्ड रिकार्ड क्लियर है ना, सपोज करिए हम आगे किसमें कि ऑपरेशन वाले नहीं आ गए, और अपने फॉर्म को क्या कर देना है प्रिंट, फॉर्म को क्या करना है, फिर हम करें यहाँ से नेक्स्ट, अब तेरा क्या फॉर्म वन मिला करेंगे नेक्स्ट, अब कहीं क्या रखना है, ये इमेज रखना है ऐसे, एक हम चाहते हैं इस बार फुल लिखा हुआ है प्रिंट फॉर्म, क्या लिखा हुआ है प्रिंट, तो क्या सर कर ली, फिर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट के बाद से एक प्रिंट फॉर्म के नाम से बटन दिख रहा है ना, कुछ नहीं बस आप इसको सेव करिए, या फिर डायरेक्टली फॉर्म दीजिए, बटन दिखा है ना, क्लिक करें, क्योंकि प्रिंटर तो लगा नहीं है, सेव करने के लिए दे रहा है पीडीएफ, ओके करिए, सेव करके देखिए ये फॉर्म आपको दिख रहा है सारा, टाइप करें यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर लीजिए, कहाँ लोकेशन दिया हमने, डेस्कटॉप यही वाला है ना, ओपन दिख रहा है फॉर्म, क्योंकि हमने इसी फॉर्म को बस प्रिंट किया है ना, बटन नहीं आया क्योंकि बटन तो वहां दिखाई देगा ना, यहाँ पीडीएफ में पेज बटन दिखाई देगा, उसकी रिपोर्ट उसका फॉर्म का मतलब ही क्या आया, समझे ना, क्योंकि वो तो हम अपना फंक्शन दिए हैं ना, एक्सेस एक्सेस में फंक्शन क्या दिए हैं, कि जब भी हम यहाँ काम करेंगे तो हमको ऑप्शन दिखाई कर ले जाएंगे लोग अपने हिसाब से, हम कस्टमाइज किए हैं ना, नाम सर्च करके लाना है, फिर उसके लिए जब यहाँ हम जा रहे हैं ना डिजाइन में, जब बटन ले रहे हैं ना, देखो बटन लेने के बाद हम यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे देखो इसमें जब आ रहा है ना, तो आप दिया किसका फाइंड का, या फाइंड रिकार्ड, किसी रिकार्ड का आपको सर्च करना है, फिर ऐसे क्या करिए नेक्स्ट की, आपको पिक्चर में रखना है कि उसमें नाम लिखा हुआ होना चाहिए, नाम चाहिए, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर फाइंड रिकॉर्ड आ गया ना, इसको हमारे फिर किसमें फॉर्म क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड पूछेगा किसका फाइंड, व्हाट किसको फाइंड करना है, उसका आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे सर हमने दिया 104, और यहाँ से करके फाइंड लागे 104 का क्लोज कर दिए, फिर से फाइंड करना, फाइंड रिकॉर्ड में चलेगा, और यहाँ से क्या कर दिए टाइप कर लेंगे, और फिर यहाँ से कर लेंगे फाइंड, हो जाएगा ना सारा आपको दिया इसमें, जैसे आपको यूज करना है वैसे हम क्या कर सकते हैं, कि यहाँ से यूज बस फॉर्म लेना है, क्या कर लेना है ड्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो आज आप लोग एक एक तैयार करिए, हाँ आप लोग पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आज आप लोग तैयार करिए कि आप फॉर्म अच्छे से तैयार कर लीजिए, फॉर्म तैयार करना है, क्या तैयार करना होगा, रिपोर्ट क्या तैयार करना होगा, और रिपोर्ट के बाद फिर आपको क्या करना होगा, बटन पे, तो आज आप इतना ट्राई करिए लोग।